हेलो एवरीवन वन हेयर इज पारोल एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर फ्रॉम सिक्स क्लास डैट इज़ बायोलॉजी कंपोनेंट्स ऑफ फूड सो कंपोनेंट्स ऑफ फ़ूड क्या क्या होते हैं हमें पता है कि जैसे वाइटाम्स होते हैं मिनरल्स होते हैं तो इस तरीके की हम फर्दर डिटेल्स पढ़ेंगे ठीक है कार्बोहाइड्रेट्स किस फूड uh, में होता है प्रोटीन्स किस में होता है फैट्स किस चीज़ में होता है तो हम वन बाय वन हर टॉपिक को कवर करेंगे ठीक है तो फूड क्या होता है हमारा फूड कोई भी चीज़ है मतलब जो भी हमारे खाने के लिए जो चीज़ें होती हैं डेट इंक्लूड इन फूड अ ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंसेस एडिबल का मतलब जो जो चीज़ हम खा सकते हैं और जिनसे हमें एनर्जी मिलती है ठीक है टू द लिविंग बींग्स एंड रिपेयर द ऑल्ड टिश्यू एंड बिल्ड द न्यू टिश्यू नेक्स्ट बात आती है न्यूट्रिशन क्या होता है द प्रोसेस ऑफ कंज्यूमिंग न्यूट्रिय रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी एंड टू ऑब्टेन एनर्जी इज़ कॉल्ड न्यूट्रीशन तो न्यूट्रिशन क्या होता है न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना किस चीज़ के लिए हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए और उससे जो हमें एनर्जी मिलेगी उसको क्या बोलते हैं न्यूट्रीशन बोलते हैं आवर फूड कंटेंस थ्री मेन सब्सटेंसेस जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स जिसकी वजह से क्या होते हैं हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है और वो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं मे बी फैट्स प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स इन एडिशन आवर बॉडी रिक्वायर्स वाटर सॉल्ट्स और मिनरल्स वाइटामस एंड फाइबर्स तो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट्स तो होते हैं हमारे लेकिन इनसे अलग हमारी बॉडी को वाटर, सोल्ट विटामिन फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बाद डाइट क्या होता है तो कितनी अमाउंट हमने आ, मतलब फ़ूड की ली एट अ पर्टिकुलर टाइम जैसे मैंने सुबह मतलब इतना खाना लिया तो कितनी अमाउंट में मैंने फ़ूड लिया वो मेरी मॉर्निंग की डाइट होगी दिन में कितना लिया ठीक है वो आ, दिन की डाइट है मेरी रात को क्या लिया वो मेरी डिनर डाइट है ठीक है माल न्यूट्रिशन क्या होता है इफ़ अ पर्सन डज नॉट गेट एडिक्वेट फूड तो कई बार क्या होता है कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई पर्सन प्रॉपर खाना नहीं ले पाता एंड इफ हिज और हर डाइट डज नॉट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स दूसरा केस केस क्या हो सकता है कि कोई भी पर्सन है उस वो खाना तो ले रहा है लेकिन उसके खाने में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं है मतलब प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं वो नहीं हैं तो क्या होगा कोई भी ही एंड शी बिकम्स वीक वन द बॉडी डज नॉट गेट एडिकुएट न्यूट्रीशन इट इज़ सेट टू बी सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रीशन अगर बॉडी को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं माल न्यूट्रीशन बोलते हैं माल न्यूट्रीशन का मतलब सिंपल वर्ड में यही है न्यूट्रिशन की कमी सो वेरियस फूड कंपोनेंट्स आर ग्रुप्ड इन थ्री क्लासेस जिससे हमें एनर्जी मिलती है वो कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एंड द फैट्स जो हमारे जो बॉडी को बिल्डअप करती है वो क्या होते हैं हमारे प्रोटीन्स प्रोटेक्टिव फूड कौन से होते हैं वाइटाम्स एंड द मिनरल्स अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड द प्रोटीन हमारे क्योंकि तीन न्यूट्रिशन होते हैं एडिशन में होते हैं वाटर एक्सेट्रा सो कार्बोहाइड्रेट क्या हो किस किस में होता है राइस में होता है वेट में होता है सोरगम में होता है पी में होता है बीन्स में होता है सागों में होता है शुगर केन शुगर बीट एंड द मैनी फ्रूट्स लाइक बनाना मैंगो मेलन्स एंड द वेजिटेबल आर द गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज स्टार्च सुक्रोज ग्लूकोज एंड द फ्रक्टोज आर मेन इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड तो जो हम खाना वगैरह खाते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की कौन सी फॉर्म होती है सुक्रोज स्टार्च ग्लूकोज फ्रकटोज लाइक दिस स्टार्च टर्नस आयोड इन सोल्यूशन टू डार्क ब्ल्यू और ब्लैक स्टार्च जो होता है हमारा मीन्स कार्बोहाइड्रेट वो क्या करता है जो हमारा आयोडीन सॉल्यूशन होता है उसको डार्क ब्लू और ब्लैक में कन्वर्ट करता है नीचे हमारा डायग्राम दिख दिखा रखा है कि कुछ हमारे सोर्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के पटैटो शुगर केन पपाया मेलन कुछ फ्रूट्स होते हैं हमारे जैसे मैंगो मीज बाजरा राइस व्हीट स्वीट पटेटो एक्सेट्रा ठीक है अब बात करते हैं हम फैट्स के बारे में तो फैट्स जो होते हैं हमारे दे कैन बी ऑब्टेंड आइदर फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स ग्राउंड नट ऑयल सोयाबीन ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल आर एग्ज़ाम्पल ऑफ फ़ैट्स तो फ़ैट का क्या क्या एग्ज़ाम्पल होता है हमारा जो सोयाबीन का तेल आता है ठीक है और मूंगफली का तेल आता है सरसों का तेल आता है वो किसके एग्ज़ाम्पल है हमारे फैट से और ये कहाँ से मिलते हैं हमें प्लांट से फैट लाइक बटर घी ये हमें कहाँ से मिलते हैं एनिमल्स से ठीक है फर्स्ट लाइन का यही मतलब था कि जो फैट्स हमें मिलते हैं वो प्लांट से भी मिल सकते हैं और एनिमल से भी प्लांट से कैसे कि जैसे सरसों का तेल है ग्राउंड नट ऑयल है सोयाबीन ऑयल है ये कहाँ से मिले हमें प्लांट से और जो बटर घी वगैरह होते हैं ये कहाँ से मिलते हैं हमें एनिमल से क्योंकि गाओ बाओ बफ, बफेलो वगैरह इनसे हमें बटर घी मिलता है नीचे डायग्राम में दिखा रखा है कुछ सोर्स फैट्स के प्लांट सोर्स एक साइड दिखा रखे हैं और एनिमल सोर्स एक साइड दिखा रखे हैं ठीक है फैट्स एक्ट एज फ्यूल इन आवर बॉडी बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी हैज एडवांटेज ऑफ फैट डिपोजिट इन स्मॉल क्वान्टिटी इट हेल्प्स बॉडी ऑर्गन टू ग्रो एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इंजरी एंड प्रिवेंट्स लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी सरफेस क्योंकि क्या होता है जो हम फैट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स की कंपैरिजन में फैट की वजह से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है तो ऐसे बोलते हैं ना कि चर्बी बढ़ती जा रही है तो जो हमारे अंदर एक लेयर होती है फैटी लेयर तो वह क्या करती है अगर कोई चोट वगैरह लग जाती है डीप कोई चोट लगती है वो बात अलग है अगर कोई छोटी मोटी भी चोट लगती है तो क्या करता है वो फैट की जो लेयर होती है उस इंजरी से प्रोटेक्ट करती है हमारी बॉडी को और जो हीट है बॉडी के अंदर ठीक है वो हीट आउटसाइड uh, में अगर ज़्यादा है हमारे बॉडी के अंदर ना जा पाए क्योंकि उससे क्या होगा कोई भी ऑर्गन है वो डैमेज हो जाएगा टू मच फैट डिपोजिशन इज़ हार्मफुल फुल बॉडी हमें पता है कि अगर ज़्यादा ही चर्बी बढ़ जाएगी बॉडी के अंदर तो वो हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है दिस लीड्स टू अ कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी ठीक है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम ओबेसिटी फैटी सब्सटेंसेस लीव ग्रीसी एंड ट्रांसपेरेंट स्पॉट ऑन पेपर नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रोटीन्स की तो प्रोटीन्स में हमारे क्या क्या आते हैं मिल्क फिश मीट चीज एंड एग्स ये कहाँ से मिलते हैं हमें सब एनिमल से मिलते हैं वेजिटेबल प्रोटीन्स कैन बी ऑबेन फ्रॉम लेग्यूम्स इंक्लूडिंग पलसेज एंड बीन्स प्रोटीन्स आर रिक्क्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ आवर बॉडी दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज दे also अकाउंट फॉर टफ फाइब्रस नेचर ऑफ हेयर एंड नेल्स एंड फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स दे आर अ पार्ट ऑफ our ब्लड प्रोटीन्स क्या होते हैं हमारे हमारे क्योंकि ब्लड के अंदर कुछ क्लोटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं तो क्लोटिंग फैक्टर्स भी क्या होते हैं हमारे प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन्स हमारे कहाँ मिलते हैं ब्लड के अंदर और जो हमारे हेयर है नेल्स है ठीक है यहाँ सब हम हमारे बॉडी के अंदर भी मिलते हैं प्रोटीन्स एंड दे हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी नीचे एग्जाम्पल में दिखा रखा है कि प्लांट सोर्स से कैसे हमें प्रोटीन्स मिलता है दे मे बी पी सोयाबीन दाल बीन्स मूंग एंड ग्राम और सेकेंड डाइग्राम में दिखा रखा है एनिमल सोर्सेस से हमें प्रोटीन्स कैसे मिलता है तो कौन कौन से फ़ूड होते हैं मीट फिश पनीर एंड एग्स जिन जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलता है लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन इज नीडेड फॉर बिल्डिंग न्यू टिश्यू इन शॉर्ट पीरियड सच एस ड्यूरिंग इन्फेंसी प्रेगनेंसी और व्हेन मदर इज नरिशिंग अ चाइल्ड नेक्स्ट बात करते हैं हम वाइटामिन्स की क्योंकि अभी तक फैट्स प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये तीन मेन चीज होती है न्यूट्रीशन की वाइटामस मिल्क मिनरल्स वगैरह ये एडिशन में होते हैं न्यूट्रिशन के लिए सो वाइटामिन आर रिक्वायर्ड बाई आर बॉडी इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटी वाइटामिन्प इन कीपिंग आवर आईज बोन्स टिप एंड गम्स हेल्थी द फूड आइटम्स रिच इन वाइटामिन आर कोल्ड प्रोटेक्टिव फूड जो कोई भी खाना है अगर उसके अंदर बहुत सारे वाइटाम्स हैं तो उसको क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं क्योंकि वो कोई भी हमारी बॉडी में अगर कोई डिजीज वगैरह हो जाते तो उस चीज़ से प्रोटेक्ट करती हैं और हमारी बॉडी को हेल्दी रखती हैं तो ठीक है तो हर फूड में क्या है वाइटामस होने चाहिए ओके तो नीचे डायग्राम में दिखा रखे हैं वेरियस टाइप ऑफ वाइटामस वाइटामिन ए किस में होता है मिल्क और फिश ऑयल में वाइटामिन बी वाइटामिन सी ऑरेंज टमेटो गवावा लेमन आंवला में द कुछ विटामिन डी के सोर्स होते हैं जैसे मिल्क है फिश है एग है ठीक है इस तरीके से नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल्स की सो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट ईच वन इज़ एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ मिनरल्स आर शोन इन फिगर तो फिगर नीचे दिखा रखा है कि कौन कौन से हमारे मिनरल्स होते हैं तो so, फिश होती है पालक वगैरह होती है और कुछ जिनके अंदर हमें आयोडीन मिलता है और कुछ जैसे मिल्क है बनाना है लाइक like दिस जिनसे हमें फोस्फोरस मिलता है नेक्स्ट बात है वाटर की आवर बॉडी रिक्वायर्स वी नो फाइव टू सेवन लीटर ऑफ वाटर डेली तो पाँच से सात लीटर हर दिन पानी पीना चाहिए ठीक है क्योंकि हमारे बॉडी को ज़रूरत होती है वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी फंक्शंस तो जो वाटर होता है उसका काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर कि बोल तो दिया पाँच से सात लीटर पीना है तो वो किस चीज़ में हेल्प करता है डाइजेशन में खाने को पचाने के लिए थ्रोइंग आउट डिजॉल्ड वेस्ट एज यूरिन एंड एम्प्योर ब्लड तो जैसे यूरिन पास आउट होता है तो उसमें क्या होता है कुछ आ, वेस्ट जो होता है प, मतलब खाना खाया हमने वो डाइजेस्ट हो गया जितना होना था बाकी अगर जो वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए अननेसेसरी है तो वो क्या होगा हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा ठीक है वाटर ऑल्सो कीप्स आवर बॉडी कूल थ्रू स्वेटिंग तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए ताकि क्या होता है कई बार मतलब किसी को ज़्यादा पसीना आता है पसीना अगर सूख जाता है तो क्या होता है कूलिंग टाइप का फील होता है कूल कूल water helps in food uh, blood circulation also next is whole grains flour and cereals potatoes fresh food raw and cooked vegetables provide roughage to our body it helps in proper digestion of food and prevents constipation food items that are deep fried and roasted usually lose their nutritive value agar koi food item hai, agar usko bohot, matlab, ठीक है तो उसके अंदर से क्या होता है जितनी भी न्यूट्रिशन है हमारे वो क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं ठीक है तो यही बात लिखी हुई है अगर किसी भी फूड आइटम को हम डीपली फ्राइड करते हैं रोस्टेड करते हैं उसको दे यूजुअली लूज देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू एनर्जी रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट ऑफ़ एनर्जी और इनटेक ऑफ फूड डिपेंड्स ऑन प्रोफेशन एज सेक्स एंड स्पेशल नीड्स लाइक प्रेगनेंसी इन्फेंसी लैक्टेशन एक्सेट्रा डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या हो सकती है डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीज़ क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर कोई कमी हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी बोलते हैं और इन डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ लगती है उनको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़ अब कुछ वाइटामस और मिनरल्स हैं जिसकी वजह से डिजीज़ होती है या कोई डिसऑर्डर होता है और जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं वाइटामिन ए की वजह से क्या होता है हमारा नाइट ब्लाइंडनेस मेन सिम्टम्स क्या है पुअर और लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विज़न जैसे मतलब आँखों के आगे अंधेरी अंधेरी सी आई रहती है विटामिन बी वन की वजह से कौन सी बीमारी होती है बेरी बेरी अगर किसी को बेरी बेरी डिजीज़ है तो उसमें क्या सिम्टम्स दिखेंगे क्या मतलब क्या बोल सकते हैं उसे क्या कमियां दिखेंगी उसकी मसल्स वीक होंगी एंड वेरी लिटर एनर्जी टू वर्क मतलब आलसी सा इंसान होगा काम करने में कोई इच्छा नहीं होगी उसकी तो उसके अंदर क्या होगा वाइटामिन बी वन की कमी होगी वाइटामिन सी में क्या होता है स्कर्वी स्कर्वी क्या होता है ब्लीडिंग गम्स जो हमारे मसूडे होते हैं ना तो अगर किसी मस, किसी के मसूडों में से अगर खून आ रहा है हमारा तो उसके अंदर विटामिन सी की कमी है वाइटामिन डी रिकेट्स बोन बिकम सॉफ्ट एंड बेंट तो कई छोटे बच्चों में कई बार क्या होता है कि जो उनकी जो बोन्स हड्डियाँ होती हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और मतलब बेंट होना शुरू हो जाती है ठीक है कैल्शियम की वजह से हाइपो कैल एक चीज़ होती है हाइपर एक होती है हाइपो हाइपर मतलब कई बार ऐसे बोलते हैं ना भाई तो इतना हाइपर क्यों हो रहा है तो मतलब इतना मतलब ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहा है इतना वो गया हाइपर हाइपो उसका जस्ट अपोजिट है यानी कि कम हाइपो मतलब कम कैल्शियम के अमाउंट तो इससे क्या जो मेन सिम्टम्स होते हैं वो क्या होते हैं इसकी वजह से अगर हमारी बॉडी के अंदर कम कैल्शियम है तो दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हमारे टीथ हैं और जो बॉन्स वगैरह वो वीक हो जाएंगी ठीक है आयोडीन की वजह से कौन सी मतलब अगर किसी के अंदर आयोडीन नहीं है तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज होगी ग्वाइटर तो ग्वाइटर में क्या होता है जो हमारे नेक रीज़न है ना तो ये स्वेल हो जाएगा नॉर्मल साइज से बहुत बड़ा साइज हो जाएगा तो जिसकी वजह से क्या होती है ग्वाइटर हो जाता है मेन सिम्टम्स ग्लैंड इन द नेक अपेयर्स वॉलन मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन कुछ टर्म्स हैं इस चैप्टर में जैसे बैलेंस डाइट है बैलेंस डाइट में क्या होता है प्रॉपर बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है एक डाइट में प्रॉपर सारे न्यूट्रिएंट्स हों ठीक है अक, किसी एक प्रॉपर प्रोपोर्शन में उसको बोलते हैं बैलेंस डाइट बेरी बेरी क्या होती है हमारी जैसे हमने पीछे पढ़ा था जो कि विटामिन बी सॉरी हाँ विटामिन बी वन की वजह से होती है और जिसकी वजह से क्या होते हैं जो मतलब बोन्स वगैरह हैं वो भी वीक हो जाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स ये बात हमने पीछे पढ़ ली कार्बोहाइड्रेट्स किस में मिलता है हमारे फूड में मिलता है वीनो और किस फॉर्म में मिलता है शुगर स्टार्च की फॉर्म में एनर्जी क्या होती है एनर्जी किसी काम आ, करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी बोलते हैं वी नीड एनर्जी फॉर आवर वेरियस एक्टिविटीज़ कोई भी काम लगा लो पूरा दिन हम कितना काम करते हैं तो उस चीज़ के लिए क्या चाहिए हमें एनर्जी चाहिए अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम काम नहीं कर पाएंगे और ना ही किसी काम में मन लगेगा फैट्स क्या होते हैं फैट्स एक्ट एक्टेज फ्यूल इन आवर बॉडी फैट्स जो होते हैं हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं दे आर ओपटेन्ड आइदर फ्रॉम एनिमल्स और फ्रॉम प्लांट्स जैसे मैंने पीछे बताया एनिमल्स के कौन से सोर्स होते हैं और प्लांट्स के कौन से सोर्स मिनरल्स मिनरल्स हमारी बॉडी को स्मॉल क्वान्टिटी में चाहिए ऑल ऑफ देम आर असेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी एंड टू मेनटेन गुड हेल्थ न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारे द कंपोनेंट्स ऑफ फूड डेट आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स क्या होते हैं प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज इन आवर बॉडी दे हेल्प इन बिल्डिंग न्यू टिश्यूज रफेज क्या होती है डाइट्री फाइबर्स आर कॉल्ड रफेज जो डाइटरी के डाइट्री सॉरी डाइट्स में जितने भी फाइबर्स होते हैं हमारे तो उनको क्या बोलते हैं रफेज दे मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट इन आवर फूड नेक्स्ट सकर्वी जो कि पीछे बताया था ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं इसकी वजह से और ये विटामिन सी की कमी के कारण होती है स्टार्च और या फिर शुगर ये क्या है हमारे कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होती है वाइटामस क्या है हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं डेफिशिएंसी ऑफ एनी वाइटामिन कोस डेफिशिएंसी डिजीज फूड इज़ असेंशियल फॉर ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स फूड डेट वी ईट कंटेन डिफरेंट कंपोनेंट्स तो कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं फूड के अब तो वो पूरा चैप्टर पढ़ लिया अब तो बता सकते हैं क्या क्या कंपोनेंट्स हो सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स वाइटामस मिनरल्स फाइबर्स रफीज एक्सेट्रा दीज न्यूट्रिय फुलफिल डिफरेंट नीड्स ऑफ द बॉडी सो जैसे अब डैफिशंसी डिजीज़ क्या होते है? पीछे पड़ रहे थे अगर यहाँ पर ये लाइन लिखी हुई है डेफिशियंसी ऑफ़ एनी वाइटामिन कोस डेफिशियंसी डिजीज़ तो डेफिशियसी डिजीज़ होती क्या है हमारी अगर डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वाइटाम्स नहीं है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है डिजीज़ कोस होती है डिजीज़ दैट आर कोज ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट जिस उसको बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिजीज़ तो डेफिशिएंसी डिजीज़ जो होती है हमारी वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती क्योंकि खाना हम ले रहे हैं ओके okay. सो so फर्स्ट जो डेफिशिएंसी होती है हमारी वो मतलब कार्बोहाइड से कार्बोहाइड्रेट से, से भी हो सकती है प्रोटीन से भी हो सकती हैं तो कार्बोहाइड्रेट से क्या डेफिशिएंसी हो जा हो सकते क्योंकि हमें पता है कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में मेन एनर्जी सोर्स होता है सो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन डाइट रिजल्ट इन लैक ऑफ एनर्जी एंड स्टेमिना तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बॉडी में कमी है तो क्या होगा हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी और स्टेमिना भी नहीं होगा लेबर हु डज हार्ड मैनुअल वर्क नीड्स मोर कार्बोहाइड्रेट जैसे मजदूर वगैरह होते हैं उनको बहुत मेहनत का काम करना पड़ता है तो उनकी बॉडी के लिए क्या है ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए उनकी डाइट में देन अ पर्सन हु डज़ हिज़ वर्क सिटिंग इन हिज ऑफिस तो ऑफिस में तो क्या कम होता है बैठे बैठे उसको कुछ करना होता है तो मज़दूर को तो पूरा दिन खड़े रह के बहुत सारा काम होता है यू नो वेरी वेल डेफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स सो ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड मोर प्रोटीन्स इन द डाइट लैक ऑफ प्रोटीन्स इन द डाइट वीकेंस मसल्स अगर प्रोटीन्स की कमी है तो उसके वजह से क्या होता है मसल्स वीक होना शुरू हो जाती है deficiency ऑफ प्रोटीन्स लीड टू अ डिजीज कॉल्ड kwashiorkor कोर अगर प्रोटीन्स की डैफिशंसी है तो उससे क्या होता है kwashiorkor डिजीज हो जाती है deficiency of proteins along with carbohydrate deficiency is called protein energy malnutrition अगर proteins की deficiency है और carbohydrate की भी deficiency है ठीक है दोनों के साथ में कमी है तो उसको क्या बोलेंगे हम PEM means protein energy malnutrition it leads to marasmus these disease are more common in children of rural areas क्योंकि जो गांव के बच्चे होते हैं उनमें इसकी कमी ज़्यादा होती है okay so this all about this chapter the biology component of food if you have any doubt please comment and do like share and share and subscribe thank you so much